हेलो स्टूडेंट्स, थ्री फेज सर्किट एसी सर्किट में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक वगैरह देख लिया था, जनरेशन देख लिया था, कैसे एसी जनरेशन होता है थ्री फेज का, ये देख लिया था कि कैसे वहाँ पे सिंगल फेज में और इसमें क्या एडवांटेजेस है और क्या इसमें डिफरेंसेस, कुछ बेसिक्स हैं। अगला टॉपिक हमारा है कनेक्शन पे, ठीक है। कनेक्शन पे थ्री फेज चुकी है तो थ्री फेज को हम कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या क्या इसमें करंट होता है, क्या इसमें वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होती है, तो ये सब आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास चूँकि थ्री फेज है, ठीक है, तो हमारे पास एक फेज़ ये है, दो फेज है, तीन फेज है। जब भी मैं बात करूंगा फेज की तो आप समझ जाना कि फेज में मैं बोल रहा हूं एक कॉइल की, ठीक है। एक कॉइल है, ये कॉइल है और ये कॉइल है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको बोलता हूं एक फेज, इसको दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, और मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में इसको कनेक्ट करता हूं, तो हमारे पास दो कनेक्शन आता है, एक होता है स्टार कनेक्शन और एक आता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको अब पहला हम कनेक्शन देखते हैं स्टार कनेक्शन में, ऑलराइट। पहला हमारे पास कनेक्शन है स्टार कनेक्शन, स्टार को हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम इसको सर्किट को बनाते हैं, सर्किट ध्यान समझ, सर्किट समझ में, उसके बाद सर्किट का हम फेजर बनाएंगे, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मिस मत करना, इसको ध्यान से समझना। ये हम बना रहे हैं सर्किट, ठीक है। ठीक है, और इस वोल्टेज को हमने नाम दे दिया ई आर ई वाई और ई सॉरी बी आर वाई भी, मतलब कि आर फॉर रेड, येलो और बी फॉर ब्लू, लाल पीला और नीला। तो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि तीन तरह के हमारे पास वायर हैं, कलर कोडिंग कर दिया, इसको रंगों के आधार पर बता दिया कि एक लाल है, एक पीला है और एक नीला है, तो रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे पास तीन फेज हैं, ठीक है। और बीच में बेटा मैंने बताया था जो बीच में होता है ये न्यूट्रल होता है, जहाँ से सारे कंडक्टर जुड़े होते हैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम रेड येलो ब्लू मतलब ई आर ई वाई और ई बी को हम कहेंगे फेज, क्या कहेंगे फेज, मतलब ई आर ई वाई और ई बी हमारे क्या हैं, फेज हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, बात समझ में आ रही है। तो हमारे ये तीन फेज हैं, ठीक है। तो इनके वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज, क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं फेज वोल्टेज, क्यों, क्योंकि ये तीनों फेज हैं, आर वाई बी, ये और ये तीनों फेज हैं, तो हम इनको एक नाम दिए फेज वोल्टेज, ठीक है। चलो तो यहाँ से तीन चीज़ें हो गई। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें एक टर्म आया फेज वोल्टेज, ठीक है। अब इसको भाई हम कहीं ना कहीं सप्लाई देंगे, ठीक है। अगर हम इसको फेज को, हम ऐसा तो है नहीं हवा में छोड़ देंगे, इसको हम कनेक्शन को पूरा करेंगे, तो कनेक्शन को पूरा करते हैं। इसको हमने कनेक्ट किया, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया और इस वाले को कनेक्ट किया, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसको कनेक्ट किया सर्किट से, मान लो आर इसको बोला, इसको वाई बोला, इसको बी बोला, ठीक है। चाहे जनरेटर चाहे मोटर, भाई सप्लाई देंगे
जनरेटर चाहे मोटर कहीं भी सप्लाई देते हैं, चाहे कहीं भी हम इसको रिसीव करते हैं, तो हम कहीं तीन हमारे पास फेज था, ER, EY, EB, इन तीनों फेज को हमने जोड़ा, हमने कनेक्शन पूरा कर लिया। अब यहाँ समझो क्या है, जो समझने वाली चीज़ है कि R और Y के बीच में भी एक वोल्टेज होगा। अगर मैं ER और EY को देखूं तो RY के बीच में एक वोल्टेज होगा। ऐसे ही R और B के बीच में एक वोल्टेज होगा, R और B के बीच में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, और ऐसे ही Y और B के बीच में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, तो जब इस तरह के वोल्टेज कनेक्शंस होते हैं जो किसी दो लाइंस के बीच में होते हैं, तो उनको बोला जाता है लाइन वोल्टेज। क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज। ठीक है, तुम्हारे पास दो वोल्टेज मिला, एक मिला फेज वोल्टेज, दूसरा मिला लाइन वोल्टेज। मैं फिर से बताता हूँ लाइन वोल्टेज क्या है। R और Y के बीच के कनेक्शन को हमने नाम दे दिया, इनके नाम के आधार पे ही ER Y। ठीक है, ER Y, यही मेन समझना है इस सर्किट को और इस कनेक्शन को। समझ लो, फिर बाकी कुछ नहीं है, बाकी मैथमेटिक्स है। ER Y एक लाइन वोल्टेज है। एक और यूज कर लेते हैं, R और B के बीच के वोल्टेज को, R और B के बीच के वोल्टेज को क्या नाम दे सकते हैं? R और B के बीच के वोल्टेज को ERB। ये कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो चलो, Y और B के बीच भी तो वोल्टेज है, तो Y और B के बीच के वोल्टेज को हमने नाम दे दिया ईवाई बी। देखो, कोई छोटा बड़ा नहीं है ये ER EY B। वो छोटा बड़ा आपको नज़र इसलिए आ रहा है कि हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, वरना मैं इसको बड़े में बनाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वाई बी छोटा है, तो सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल मतलब कि सब बराबर है। ठीक है, इस हिसाब से ये है ER है, EY है, EB है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि छोटा ये बड़ा, ये सब सिमेट्रिकल है। ठीक है, सममित है। तो यार यहाँ पे दो चीज़ें समझ में हमारे पास आती हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि ER EY और EB ये हमारे होंगे फेज वोल्टेज। फिर से बनाता हूँ, ER EY और EB ये हमारे होंगे फेज वोल्टेज। अब दो फेज के बीच के वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, जैसे R और Y दो फेज था, इसके बीच के वोल्टेज हमने इसको बोला लाइन। दो फेज ये था, इसके बीच के वोल्टेज को बोला लाइन। दो फेज था, इसके बीच के वोल्टेज को बोला यहाँ लाइन। ठीक है, तो किन्हीं दो फेज के वोल्टेज को हम लाइन कह रहे हैं। तो अब हमको यह याद करना है कि इस फेज वोल्टेज में और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इस फेज वोल्टेज में और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, इसको हम समझेंगे। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको अभी मैं हटाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलो, ठीक है। यार हमने जो बनाया ना ER EY और EB, हमने ये बनाया था और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये तीनों जो होते हैं 120 डिग्री पे होते हैं। अगर ये ऐसा है, एक ऐसा है और ये ऐसा है, मतलब अगर मैं इसको ER बोलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं EY कहता हूँ, दूसरा फेज, ये तीसरा फेज EB है, और तीनों के बीच कोण कितना होगा? 120 डिग्री। ये 120 होगा, ये 120 होगा, ये 120 होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया भी है कि तीन फेज होते हैं थ्री फेज में, और तीनों फेज के बीच का जो कोण होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब समझना हम करना क्या चाह रहे हैं।
अब हमको निकालना है लाइन वोल्टेज, क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज। तो आप बताओ कि दो फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, यही मैंने बताया। तो मान लो हमको आर फेज और वाई फेज के बीच का वोल्टेज निकालना हो, तो उसको हम एक नाम दे दिए आर वाई, क्या नाम बोलेंगे, आर वाई। और आर वाई निकालने के लिए हमको दो फेज चाहिए, आर चाहिए और वाई चाहिए। तो इसको यहाँ से समझते हैं कैसे निकालेंगे। हमारे पास आर है और हमारे पास वाई है, और हमको निकालना है आर वाई। और आर वाई क्या है, लाइन, में बार बार कह रहा हूँ इसको, सब कंफ्यूज मत हो ना, आर वाई को लाइन वोल्टेज कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दो फेज के बीच का वोल्टेज है। जैसे ही यहाँ पे ये क्लियर हुआ, अब हम चलते हैं कुछ कैलकुलेशन की तरफ। क्या, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात में बात करेंगे, क्या इसको मैं ईवाई को पीछे की तरफ बढ़ाऊँ डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, ठीक है, डॉटेड लाइन से, तो क्या मैं इसको माइनस ईवाई नहीं लिख सकता हूँ, माइनस ईवाई लिख सकता हूँ। भाई ये प्लस ईवाई है, इसको माइनस ईवाई लिख सकता हूँ, एरो मैंने बनाया है ना यार। इसके इसके बीच कोण 120 डिग्री था, ठीक है, मतलब अगर ये 90 डिग्री होगा ना, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर करूँ तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये कितना होगा, 120 में से 90 ये है, 90 डिग्री ये है, ठीक है, 90 डिग्री ये है, तो बेटा ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 30 120 होता है। इसी तरीके से समझना है तुम्हें, ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझो इसको ऐसे, तो थोड़ी बहुत लंबी कहानी हो गई, थोड़ा इसको साफ करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ से अगर मैं एक ER, देखो ER का और हमें EY निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ER और EY को जोड़ दूँ तो क्या हमको आएगा, ER और EY को मैं जोड़ दूँ तो क्या हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। भाई यार और ईवाई को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट मतलब क्या, ई आर वाई मिल जाएगा। देखो ई आर वाई क्या होता है, अब थोड़ा ये भी समझ लो, ई आर वाई क्या है, मैंने कहा लाइन वोल्टेज किससे किसके बीच का, आर और वाई का, कैसे लिखते हैं इसको, ई आर माइनस ई वाई, क्यों, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस है, ई आर माइनस ई वाई, ये फेजर डिफरेंस हमारा आएगा ई आर माइनस ई वाई, ठीक है। अगर मैं इसको लिख सकूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, देखना, मैं इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस माइनस ई वाई, ई आर प्लस माइनस ई वाई। माइनस ई वाई क्यों लिया, क्योंकि माइनस ई वाई यहाँ पे भी है, और ई आर को और माइनस ई वाई को हम ऐड करेंगे। तो आपने ये सब थ्योरम पढ़ा होगा, जोड़ने वाले नियम जितने होंगे सब आपने पढ़ रखे हैं मैकेनिक्स में चाहे मैथ्स में पढ़ा होगा, कि दो वेक्टर होता है ई आर होता है, जैसे दो वेक्टर होता है ना, ऐसे रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, ऐसे ही तो निकालते हो, इसको और इसको ऐड करते हो, इसके एंगल पता हो तो ये नहीं करते हो, उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। यार मैंने 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो बेटा ये अगर 30 डिग्री था तो यहाँ भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। और जब ये 30 डिग्री हो गया तो हमको पता है कि ये 30 डिग्री है तो ये भी तो उतना ही हाफ है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा इसका इसका, ये टोटल एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है भाई, 30 ये है तो ये भी 30 होगा ना, तो टोटल क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। यार अब सब हटाते हैं और सिर्फ जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस पे आते हैं, समझना इस बात को। मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था
एक यार, ठीक है, यहाँ बेटा बनाया था -ey, ठीक है, और यहाँ का रिजल्टेंट जो बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रिजल्टेंट अगर हम बनाते हैं, और इसको अगर हम ऐड करने के लिए इसको हमने बोला रिजल्टेंट, और इसके इसके बीच का कोण कितना है, दो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये हमने बताया, 60 डिग्री हमने बताया, और इसको हमने बोला ERY, सॉरी, दो बल आपने पढ़ा होगा, बलों का सिद्धांत, जोड़ने का सिद्धांत होता है F1 और F2, और दोनों बलों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो F का मान रिजल्टेंट होता है। वैसे ही अगर हमारे पास एक ये है यार है, एक -ey है, तो उसका रिजल्टेंट ये होगा, जबकि दोनों के बीच का कोण हमको पता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है यार। जोड़ने का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी रिजल्टेंट बलों को जोड़ते थे तो क्या थे, अंडर रूट रिजल्टेंट क्या होता था, अंडर रूट F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे नहीं, अगले पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है, समझना क्या लिखते थे, दोनों बल को जब जोड़ते थे तो अंडर रूट F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा, यही तो लिखते थे जब मैकेनिक्स वगैरह है, फिजिक्स में कहीं पढ़े होंगे। उसी सिद्धांत से हमको यहाँ भी करना है, ठीक है, क्या करना है देखो, दो हमारे पास थे, क्या क्या था, ER था और -ey था, और इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, ERY, तो ERY को क्या लिखेंगे, अंडर रूट क्या, ER² + -ey² ठीक है, ER² + -ey² + 2 ER EY cos 60 cos 60, ठीक है। अब यार देखो, ये जो माइनस साइन है सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, तो अगर हम माइनस को डायरेक्शन बता रहा है, तो अब इसको फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करें और शॉर्ट फॉर्म में करें, तो फाइनली हमारे पास जो बन के आता है थोड़ा कैलकुलेट करने के बाद, वो क्या आएगा कि ER² + EY² + 2 ER EY cos 60, और cos 60 का मतलब क्या होता है, 1/2, cos 60 1/2, 60 कहाँ, दोनों के बीच का एंगल था, ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, डे टू कैंसिल हो गया। और एक चीज़ बताता हूँ इसी में, कि जितने फेज वोल्टेज हैं हमारे, क्या क्या फेज वोल्टेज थे याद करो, ER EY EB, अगर बैलेंस कंडीशन में है, अगर बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस मतलब तीनों के बीच कोण 160 डिग्री था, जो कि है, जो कि हमने माना ही है कि 120 डिग्री दोनों के बीच, तीनों के बीच के कोण 120 120 120 करके ही हैं, तो अगर इस तरीके से है तो इन सभी का मान जो होगा क्या होगा, बराबर होगा, ER = EY = EB, और इसको हम बराबर कर देते हैं EP के, EP क्या है, दैट इज द फेज वोल्टेज, एक वर्ड हमने बोला फेज वोल्टेज EP, तो जो भी ER है बैलेंस कंडीशन में, EY के EB के, ये सारे तीनों RYB के फेज वोल्टेज के बराबर होंगे, मतलब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जो हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, ERY,
ई आर वाई निकाल रहे थे, यहाँ पे मान पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो ये भी ई पी स्क्वायर हो जाएगा, यह भी ई पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, टू से टू कैंसिल ही हो गया था, तो ई पी इंटू ई पी, ठीक है। तो हालांकि ये भी ई पी स्क्वायर हो गया, तो ई पी स्क्वायर, ई पी स्क्वायर, ई पी स्क्वायर, ई पी स्क्वायर, ई पी स्क्वायर और ई पी स्क्वायर, क्या मिला? थ्री ई पी स्क्वायर, थ्री ई पी स्क्वायर मिला। चलो ठीक है, मैथ से कर लेंगे आप लोग, अंडर रूट थ्री ई पी स्क्वायर, बाहर लिए अंडर रूट को तो क्या मिला? अंडर रूट थ्री ई पी, ठीक है। तो ई आर वाई बराबर क्या आ गया? ई आर वाई बराबर आ गया अंडर रूट थ्री ई पी। क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे हमने क्या समझ में आया? ई आर वाई है क्या? देखो, ई आर वाई हमारा जो है वो है लाइन वोल्टेज। ई आर वाई क्या है? लाइन वोल्टेज। और ई पी क्या है? फेज वोल्टेज। तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा लाइन वोल्टेज है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एल। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? लाइन वोल्टेज है, तो ये हो गया ई एल, ठीक है, ये हो गया हमारा ई एल। तो ई एल बराबर रूट थ्री ई पी, इसका मतलब क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन का वोल्टेज होता है वह फेज के रूट थ्री के बराबर होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, तो याद कर लो कि इन स्टार कनेक्शन, इन स्टार लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट थ्री फेज वोल्टेज। ये हम सब हमेशा इसको याद रखना, यही करना था इसमें। देखो एक बार समझ भी लो सर्किट के माध्यम से, मैंने ये जो बनाया था ठीक है ना, और मैंने कहा था इसके इसके बीच का वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज है, और ये फेज वोल्ट आपको दिख भी रहा है बेटा, ऐसे देख करके भी आप याद कर सकते हो कि ये डायमेंशन कितना छोटा है ना। ये देखो, ये सिर्फ इतना ही है, और ये हमारा इतना है, मतलब कितना है? इसके रूट तीन गुना है, ठीक है। तो दिमाग में याद करने के लिए ऐसे बना लो कि लाइन वोल्टेज होता है हमेशा, तो जैसे मैंने एक के लिए बताया, किसके लिए? ई आर वाई के लिए बताया, ऐसे हम किसके लिए बता सकते हैं? तीनों के लिए निकाल सकते हैं। ई आर वाई निकाला तो ई बी आर भी निकाल सकते हो, या ई वाई बी, इन तीनों के लिए निकाल सकते हैं, और तीनों के लिए वैल्यू हमारी सेम आएगी। हमने एक एग्जांपल ले लिया था ई आर वाई का, एक फेज का, वैसे हम तीनों फेज का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फिर देखो, जैसे हमने जब बनाया था सर्किट तो हमने क्या किया था? हमने इसको और इसको सॉल्व किया था पीछे करके ऐसे पूरा। अब हम इसको इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसको इसको सॉल्व करेंगे, तो तीन वैल्यूज़ आएंगी, और तीनों जब बराबर आएंगी, और आएंगी तीनों आपस में बराबर होंगी, तो तीनों लाइन वोल्टेज हमारा क्या होता है? चाहे वो ई आर वाई हो बराबर ई वाई बी प्लस ई बी आर, और ये बराबर होगा ई एल के, एल को हम कह रहे हैं लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना कि लाइन वोल्टेज जो होता है रूट थ्री बराबर फेज वोल्टेज होता है। अब देखो, सभी में करंट बह रही है, किसमें? सभी फेज में करंट बह रही है, तो वोल्टेज का मान तो हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट के मान को अब निकालना होगा। एक चीज़ देखो, जितने भी फेज है ना, ये सेपरेटली एडेड है, मतलब अलग अलग जुड़े, इससे अलग जुड़ा हुआ, ये अलग जुड़ा है, ये अलग जुड़ा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसको याद रखना कि जो लाइन करंट होती है वही बराबर होती है फेज करंट के। लाइन करंट जो होती है वो बराबर होती है फेज करंट के, मतलब इसमें अंतर नहीं होता है। जो लाइन करंट होगी वही फेज करंट होगी, समझ रहे हो? लाइन करंट क्या है? मतलब ई आर वाई में बहने वाली करंट,
ई आर वाई में बहने वाली करंट लाइन करंट है, और ई आर और ई वाई में बहने वाली करंट जो है वो फेज करंट है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज तो अलग अलग आ रहा है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में एक संबंध आया है, लेकिन करंट में हमारा जो संबंध आता है वो बराबर आता है। क्या होता है? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, सॉरी लाइन करंट बराबर फेज करंट। तो दो फार्मूला मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ, इसको याद रखना, रूट थ्री ई पी, फेज लाइन फेज, एल फॉर लाइन पी फॉर फेज, मतलब स्टार कनेक्शन में ये होता है कि लाइन वोल्टेज रूट थ्री फेज वोल्टेज, और ये लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बाद चलो डिस्कस कर लेंगे फिर हम लोग पावर के बारे में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।